सोनर जिले के डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलित कर तृतीय चरण विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक स्थापित वैज्ञानिक प्रचलन है और इसे मुख्य धारा में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक प्रयासों से इस प्रचलन के पैकेज को विकसित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती में राज्य दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बने। आचार्य देवव्रत ने कहा कि हमें अपनी पक्षपातपूर्ण मानसिकता एवं धारणा को बदलना चाहिए, क्योंकि यूरिया एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर जिस जैविक खेती को हम कर रहे हैं उससे अप्रोक्ष तौर पर विदेशी अर्थव्यवस्था को मदद करना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में नवीनतम शोध में पाया गया है कि स्थानीय नस्ल की गायों से प्राप्त किया गया गौमूत्र और गोबर लगभग 30 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। इस मिश्रण का निरंतर उपयोग मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार करेगा। जब हमने पहली बार रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो 20-25 किलो डालते थे प्रति एकड़ में और उत्पादन बहुत बढ़ता था, आयाना ऐसे था कि नहीं? लेकिन समय बीतता गया, हम रासायनिक खेती की ओर प्रवृत्त होते चले गए। जितनी देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने इस दिशा में लगातार शोध किए और उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे खाद बढ़ता ही चला गया, कम तो नहीं होने पाया। यूरिया डीएपी बढ़ा जा रहा और उत्पादन कम होना शुरू हो गया, तो मतलब जमीन में पैदा करने की क्षमता घट रही है, तो जमीन बंजर होने की दिशा में जा रही है। लगता है उस खेती में फिर टमाटर का मजा देखो, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, मेरे जिम्मेदार भाई किसान भाई मेरी बात को सुन रहे होंगे, अब ये हो रहा है कि जिस खेती में टमाटर हर साल लग रहा है